हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन लें या ऑफलाइन? देखिए, लेने के लिए आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल हैं। ऑनलाइन थोड़ा कन्वीनियंट पड़ता है, बिकॉज अभी क्या है कि ऑनलाइन में अगर आप करते हो तो आप अपना प्रपोजल फॉर्म खुद फिल करते हैं, आपको पता होता है कि आपने क्या फिल किया है और क्या मिसिंग है। प्लस इन केस अगर आपको कोई करेक्शन चाहिए तो आप खुद उसे ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे वहीं अगर बात करें ऑफलाइन मोड में, ठीक है, ऑफलाइन में आप क्या करोगे कि फॉर्म फिल करके, जनरली होता क्या है, फॉर्म तो आप खुद फिल करते नहीं हो, जो भी एग्जीक्यूटिव होता है वो आपको फॉर्म फिल करके देता है। बट हाँ, जो वो फॉर्म फिल करा है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली चेक, आप एक बार उसे चेक कर लें, या फिर अगर पॉसिबल तो आप खुद ही फॉर्म फिल करें। खुद फॉर्म फिल करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रपोजल फॉर्म में जो भी आप मेंशन करते हैं वो आप खुद कर देते हैं। बहुत बार होता क्या है कि एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, अगर आपकी पॉलिसी इशू करानी उन्हें, बिकॉज इशू होगी तो ही उन्हें बेनिफिट है, तो वो आपके मेडिकल कंडीशंस को स्किप कर देते हैं। तो आपको तो पॉलिसी इशू तो हो जाती है, बट कल के दिन अगर आप क्लेम करते हो तो वो पर्टिकुलर बीमारी आपको कंपनी कवर करके नहीं देगी, बिकॉज आपको बीमारी पहले से थी और आपने डिक्लेयर नहीं किया था। बट वहीं पे एक एजेंट खेल जाता है आपके साथ और अपनी पॉलिसी इशू करा लेता है, बिकॉज डेफिनेटली ही विल गेट द बेनिफिट व्हेन योर पॉलिसी इज इशू। तो किसी को भी चेक पकड़ाने से पहले एक बार अपने प्रपोजल फॉर्म को पूरा चेक कर लीजिए, चाहे वो आपका क्लोज रिलेटिव ही क्यों ना हो। आखिर में क्लेम आपको ही करना है, आपका रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड हो या फिर कोई जानकार हो, वो आपको क्लेम नहीं दिलाएगा, क्लेम देती है कंपनी, और कंपनी बिलीव करेगी आपके प्रपोजल फॉर्म पे। दिस इज द वेरी क्रूशियल पार्ट, आप इसे स्किप ना करें, फॉर्म जहाँ तक हो पाए खुद फिल करें, या फिर फॉर्म फिल्ड है तो उसे एक बार चेक कर लें। ऑफिशियल प्रोसेस में बहुत कुछ मिसिंग होता है, तो आप चाहो तो पॉलिसी वर्डिंग भी प्रेफर कर सकते हैं। पॉलिसी वर्डिंग आपको मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसमें जो रिटर्न होता है डेट इज द फाइनल, यानी कंपनी उसके लिए लाइबल है। सो काइंडली, अगर आपके पास कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है फिर भी सोच रहे हैं कि एक रिटेल पॉलिसी लूँ या ना लूँ, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप चेक करिए। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि आपको कॉर्पोरेट या रिटेल कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, और कॉर्पोरेट के साथ अगर रिटेल पॉलिसी लेते हो तो क्या एडवांटेजेस हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी डिजिटलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन करते हो तो कन्वीनियंट है, सर समझते हैं इसको कन्वीनियंट कैसे है। फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है, एज सून एज यू मेक अ पेमेंट आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है कंपनी की तरफ से कि आपका पेमेंट रिसीव हो चुका है। सॉफ्ट कॉपी आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाती है, और जो हार्ड कॉपीज है वो जनरली कंपनीज आपको 15 दिन के अंदर डिलीवर कर देती है। प्लस यहाँ पे आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड टाइम भी मिलता है। शायद आप जानते हो कि अगर आपको पॉलिसी की टर्म्स कंडीशंस पसंद नहीं आती है, आप अपनी पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं, आपका 100% पैसा कंपनी रिफंड करती है। अगर मेडिकल केस है और आप मेडिकल करा चुके हैं, तो डिपेंड ऑन द कंपनी मेडिकल कॉस्ट अगर कंपनी बेयर कर रही है 100%, फिर तो ठीक है, आपको 100% आपका पे आउट मिल जाएगा। बट अगर 50% मेडिकल कॉस्ट अगर कंपनी काट रही है, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं, तो उस केस में आपको 50% मेडिकल कॉस्ट कट के बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपको मिल जाता है आपके अकाउंट। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से ले सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर ऑनलाइन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।